उमरिया जिला मुख्यालय में पूरा नगर भ्रमण करते हुए आदिवासी समाज और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग सैकड़ों की तादाद में कैबिनेट मंत्री मुर्दाबाद मीना सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय तक गए और जिले के कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आदिवासी नेता राजभान सिंह भड़करे ने बताया कि हम आदिवासी हैं, हमारी संस्कृति हिंदू धर्म से अलग है, फिर भी वो जनजातीय समाज से होने के बाद भी वो इस बात को अस्वीकार कर रही है। मीना सिंह अपनी धर्म बदल ले, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे रिजर्वेशन सीट को उनके छोड़ना पड़ेगा। वहीं आदिवासी नेता लाल सिंह भड़करे ने बताया कि आज हम लोग मीना सिंह के विरोध में ज्ञापन सौंप रहे हैं। मीना सिंह ने आदिवासी समाज को गैर आदिवासी कहकर लोगों को भड़काने का काम किया। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उनको नहीं पता है कि आदिवासी एक्ट क्या है, आदिवासी क्या है। आज उसी आदिवासी एक्ट के तहत वह मंत्री बनी है। आदिवासी समाज से मैं कहना चाहता हूँ, यह मामला कोर्ट में भी जाना चाहिए। इस बात का पुरजोर विरोध गोंडवाना महासभा करता है। अभी हमारा पूरा आदिवासी समाज माननीय मीना सिंह के विरोध में ज्ञापन सौंप रहे हैं और उन्होंने आदिवासी समाज को गैर आदिवासी कहकर ये पूरे आदिवासी समाज को बहकाने का काम कर रही है। और जबकि 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आदिवासी समाज हिंदू नहीं है और ये पूरे समाज को बरगलाने का काम कर रही है, इसलिए हमने पूरे आदिवासी समाज उमरिया जिला के माननीय महामहिम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे रहे हैं। और जिन्होंने इनको खुद को पता नहीं है कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी एक्ट क्या है, आदिवासी अधिनियम क्या है, और वही आदिवासी एक्ट अधिनियम के तहत माननीय मीना सिंह जी ने मंत्री आज विधायक बनी, एक बहुत बड़ी दुख की बात है। जो समाज को बरगलाने का काम, आदिवासी समाज को हिंदू बनाने का काम जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसे हमारा समाज जो है स्वीकार कर चुकी है। मैं पूरे आदिवासी समाज से अनुरोध करता हूं कि उनके विरोध में आज हम नियत तिथि करके और ये उमरिया जिला में हमने ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि वो कोर्ट में भी जाना चाहिए और कोर्ट से भी इसका फैसला होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज रैली निकाली गई एवं ज्ञापन सौंपा गया, किन मांगों को लेकर पूरी बात बताएं जी। इधर देख के कैमरे पर, हाँ जी जी, उसको छोड़ो। हाँ, मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह के द्वारा आदिवासियों को गैर आदिवासी देशद्रोही कहे जाने पर आदिवासी समाज आक्रोशित होकर यह ज्ञापन सौंपने के लिए आया है कि हम आदिवासी हैं न कि हिंदू, हमें हिंदू में सम्मिलित न किया जाए और हिंदू में सम्मिलित करके आप बदनाम करने का काम न करें, क्योंकि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी रीति, हमारी रिवाज हिंदू धर्म से कोई मेल नहीं खाता। हम अनादिकाल से रहने वाले इस देश के मालिक आदिवासी हैं, इसलिए हमें दोहन हमारे समाज को करने का काम न करें, क्योंकि वो भी आदिवासी जनजाति समुदाय से हैं। इस बात का विरोध पुरजोर गोंडवाना महासभा करता है और यह मांगे ना पूरा करने के बाद हड़ताल, भूख हड़ताल करने को और अपनी मांगों को मांगने को और पाने को जनता तत्पर है। न देने पर यह आंदोलन जारी रहेगा। आदिवासी हैं, हमारा संस्कृति सभ्यता आप सब लोगों को पता है कि हिंदू धर्म से अलग है, और फिर भी वो जनजाति समाज के होने के बावजूद भी इस बात को अस्वीकार कर रही हैं। हम मीना सिंह धर्म अपना बदलना चाहे बदल दे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमारी रिजर्वेशन सीट को भी उन्होंने छोड़ना पड़ेगा। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, तो ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर किसी को कोई भी धर्म या जाति संप्रदाय मानने के लिए कोई बात कर नहीं सकता, क्योंकि वो संविधान का आत्मा है, देश का आत्मा है। इस बात को उल्लंघन करने के उसमें सुश्री मीना सिंह के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। थैंक्स जी। चलिए, आज गोंडवाना महासभा द्वारा जो है एक ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करकर, उसमें कुछ मांगे हैं इनकी जो राष्ट्रपति महोदय को भेज दी जाएंगी। थैंक्स।